हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कनेक्शन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में जेक्यू को दिखाया जाता है, साथ में जूसुंग होता है। दोनों वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। जेक्यू अपने आप से कह रहा होता है कि जूसुंग ने ऐसा क्यों किया होगा, उसने मेरे और यूनजिन के नाम ये क्यों किया। वह तो एक रियल्टर था, उसका ड्रग से क्या लेना देना है। उसकी चीजों में मेरी चीजों में एक बात कॉमन है, जो हमारे पास मैसेज आया था उसमें हमारे एसओएस कोड का यूज किया गया था और यही बात हमको जोड़ती है। अगले इसमें यूनजिन को देखते हैं, इसने वसीयत को पढ़ लिया था। बाद में यहाँ पर जियोन आती है, यूनजिन ने वसीयत को छिपा लिया था और बाद में चली गई थी। अगले सीन में दोनों गाड़ी में बैठी हुई थी, यूनजिन ने जियोन से कहती है कि मैंने कई बार तक इस बात के बारे में सोचा है, हमें जूनचू की ऑटोप्सी करवानी चाहिए। आपको पता है कि आत्महत्या करने वालों में से नहीं है। जियोन कहती है उसे कौन मार सकता है। यूनजिन कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए हमको ऑटोप्सी करनी चाहिए ताकि हमें कुछ पता चल सके। अगले इसमें जोक्स भी ताइजिन से बात कर रहा था और कह रहा था कि ये सब क्या है, ये वसीयत कहाँ से आ गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ताइजिन कहता है कि मुझे इसके बारे में अभी पता चला था। जोंगसू कहता है तुम इसको सीक्रेट भी रख सकते थे। ताइजिन कह रहा होता कि मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन वहाँ पर जेक्यू के साथ जूसुंग बैठा हुआ था और उसने जेक्यू को सब कुछ बता दिया था। वैसे ही पैसे की चिंता मत करो, पैसा किसी को नहीं मिलने वाला क्योंकि ये एक आत्महत्या है। मुझे भी ऊपर से दबाव आ रहा है, हमें ऑटोप्सी करवा लेनी चाहिए। लेकिन इस बात पर जोंगसू चिल्ला रहा होता है और बाद में रूम में आता है। बाद में ताइजिन और साथ में जियोन भी आते हैं। पास में रिनो होता है और कह रहा होता है कि बता रही तीनों अकेले में क्या बात करते रहते हैं। इसके पास में एक लड़का होता है, इसका नाम संग उई होता है और इसे यह पूछ रहा था कि जूनचू की बॉडी कहाँ पर मिली थी। संग उई इसको बता देता है। वही अंदर ताइजिन भी जोंगसू से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि ऑटोप्सी करवाने से कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन जोंगसू कहता है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऑटोप्सी की जाए। ताइजिन भी बाद में कहता है कि ठीक है। जोंगसू अपनी से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास भी जूनचू को लाया था, उसने तुमसे क्या बात की थी। ये दोनों कहते हैं कुछ खास नहीं थी। ताइजिन साथ ही वसीयत में ये दिखा रहा होता है कि वसीयत पर एक आदमी का और नाम है जो कि मेंगबुक है। वही जूसुंग भी जेक्यू से बात कर रहा होता है और मेंगबुक के बारे में बता रहा होता है कि उसका ही वसीयत में नाम है। जेक्यू कह रहा था कि वह कौन है, क्या तुम्हें इसका एड्रेस पता है, क्या जूनचू ने उसका जिक्र किया था। जूसुंग बाद में मेंगबुक का एड्रेस दे रहा होता है। जूसुंग साथ में ये बात कह रहा होता है कि वसीयत में मेंगबुक का नाम भी था, लेकिन यह बात बहुत ही अजीब है कि ताइजिन ने उसका नाम नहीं लिया और बाद में जा रहा होता है। लेकिन तभी अब यूनजिन आती है और यह जूसुंग से कहती है कि अगर किसी ने इंश्योरेंस बना हुआ है और वह उसी टाइम आत्महत्या कर लेता है तो क्या पैसे मिलेगा। जेक्यू ये बात सुन लेता है, बाद में इसके पास आता है और कह रहा था कि हुआ क्या है। यूनजिन यहाँ पर बातें घुमाकर कहती है कि ऐसे मेरे दोस्त के साथ हो गया है। जेक्यू और साथ में जोंगसू कह रहे होते हैं कि पैसा कितना था, यहाँ पर यूनजिन बता नहीं पाती है। लेकिन बाद में जेक्यू कह रहा होता है कि ये $5 मिलियन है। यूनजिन कहती है तुम कैसे जानते हो। जेक्यू बाद में कह रहा होता है कि तुम जूनचू की वसीयत की बात कर रही हो, क्या तुमने जियोन को बताया है, लेकिन अपनी मना कर देती है। जेक्यू बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। यूनजिन बाद में मेल को दिखाती है और ये जेक्यू से कहती है कि तुम पहले सही थे, तुम्हें ऑटोप्सी करवा लेनी चाहिए, शायद किसी ने जूनचू को मारा है। वैसे क्या हमें पैसा मिल सकता है। जेक्यू बेजीब सा फेस करता है और चला जाता है। जेक्यू बाद में ताइजिन के पास आता है और कह रहा होता है कि मैं ऑटोप्सी करवाना चाहता हूँ, मैं इसके लिए जियोन को मना लूंगा। ताइजिन यहाँ पर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या ये इंश्योरेंस मनी के कारण है। लेकिन जेक्यू कह रहा था मैं क्यों सच को जानना है। ताइजिन बाद में जूनचू को देखता है, फिर ये अपने इसके पास आता है। साथ में यहाँ पर पुलिस वाले भी होते हैं। ताइजिन अब जियोन को यह बता देता है कि जूनचू ने एक वसीयत छोड़ी है और उसमें यूनजिन के और साथ में जेक्यू के नाम है। इस बात पर जियोन चिल्लाती है और इन दोनों से कहती है कि यह तुम इसी वजह से ऑटोप्सी करवाना चाहते थे ताकि तुमको पैसे मिल सके। लेकिन जेक्यू कहता कि ऐसा नहीं है और यह बात बहुत ही अजीब है, उसने पहले मुझे कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया था तो अब वह मुझे पैसे क्यों देगा, मुझे सिर्फ इस बात का पता लगाना है। अगले सीन में सभी साथ में होते हैं और यह जेक्यू से और साथ में यूनजिन से पूछताछ की जा रही थी। किंग वन नाम के पुलिस लाइन से पूछताछ कर रहा था और कह रहा होता है ठीक है तुम्हें पहले वसीयत के बारे में पता था, लेकिन मना कर देते हैं। किंग वन बाद में ये कह रहा होता है कि अब तक तुमने ही जूनचू को मारा हो ताकि तुम्हें पैसे मिल सके। जेक्यू भी कह रहा होता है कि अपने आप को देखो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम अभी भी ताइजिन प्रोसिक्यूटर के लिए काम कर रहे हो, वो उस मिडर के पीछे है ना, उसे तुम ये पूछो कि ऑटोप्सी अगेंस्ट क्यों है। किंग वन नेवर चुप होने के लिए कह रहा होता है, लेकिन बाद में ताइजिन आता है और कह रहा होता है कि घटनास्थल पर कोई भी सबूत नहीं मिला है, हमें ऑटोप्सी करने की कोई जरूरत नहीं है। जेक्यू इसका नाम ले रहा होता है। ताइजिन यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ, इसलिए मुझे मेरे नाम से मत पुकारो। बाद में ताइजिन जा रहा होता है, लेकिन तभी जेक्यू इसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम क्या छिपा रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का डर लग रहा है।
कि जूनसियो की बॉडी के अंदर कुछ मिल सकता है। बाद में वह देखूंगा बॉस आता है, इसका नाम बिंगो होता है और इनको शांत होने के लिए कहता है और साथ में कहता है कि जूनसियो की फैमिली ने पहले ऑटोप्सी के लिए मना कर दिया है, इसलिए यहाँ पर कोई ऑटोप्सी नहीं हो सकती। अब इस बात के ऊपर खत्म करो, बाद में सब जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अब जून यह कहती है कि मैं ऑटोप्सी करवाना चाहती हूँ, मुझे पता है कि मेरा जूनो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। बाद में जोंगसू और ताइजिन बाहर होते हैं। जोंगसू गुस्से में होता है और ताइजिन से कह रहा होता है कि ये सब क्या है, मैंने कहा था ऑटोप्सी नहीं होनी चाहिए। ताइजिन यहाँ पर कह रहा था चिंता मत करो, उस टाइम हम दोनों अपर साथ में थे, इनको कुछ भी नहीं पता चलेगा। जोंगसू भी चिल्ला रहा था और कह रहा था कि अगर इन्हें कुछ भी पता चल जाएगा तो तुम अपनी पोजीशन को छोड़ देना। अगले समय जोंगसू की ऑटोप्सी हो रही होती है और सभी देख रहे होते हैं। अगले समय सभी इसको लेकर मुर्दा घर में आ गए थे। जोंगसू फोटो ले रहा होता है, यूंजिन इसे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम फोटो क्यों ले रहे हो। जोंगसू यहाँ पर कह रहा होता है कि जेक्यून ने ऐसे करने के लिए कहा है, वह यहाँ पर नहीं आ सका, वह अपने पुलिस स्टेशन में चला गया है और बहुत ही बिजी है। यूंजिन बाद में यह कहती है कि ऑटोप्सी के रिजल्ट कब आने वाले हैं। जूसन कहता है कि एक महीना लगने वाला है। यूंजिन यहाँ पर यह कहती है कि तब तक मैं ऐसी नहीं बैठ सकती, वसीयत में मेरा भी नाम है तो मुझे भी एक रोल निभाना होगा। अगले इसमें जेकू को दिखाया जाता है, साथ में सुविन होती है। सुविन यहाँ पर यह बता रही होती है कि दो लोग स्टोर के सामने लड़ाई कर रहे थे और इनके पास ये मिला है, ये वही ड्रग है जो हमको पहले मिली थी। जेकू कहता है कि इसका नाम क्या है। सुविन कहती है कि इसका नाम लेमन कैंडी है। वो इंद्र दोनों लोगों को देखते हैं, चांगसुविन से पूछताछ कर रहा होता है और बाद में वो जेक्यू आता है। अब जेक्यू इनसे पूछताछ कर रहा होता है और ड्रग के बारे में पूछ रहा होता है। पहले ये नहीं बताते, लेकिन बाद में जेक्यू कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे इसके बारे में बताते हो तो मैं गोली तुम्हें दे दूंगा। बाद में इनमें से लड़का बता रहा होता है कि हमने गोली लेना कब स्टार्ट किया था और हमने एक हफ्ते से गोली नहीं ली है। बाद में दोनों जेक्यू पर टूट पड़ते हैं और गोली ले रहे होते हैं, लेकिन अब सुविन और चांगसू आ गए थे और इनको यहाँ से ले गए थे। वही अगले इसमें इंजिन को दिखाया जाता है, साथ में जूसंग होता है, ये सब यहाँ पर सभी को बाय कह रहे थे। जूसंग बाद में इंजिन से पूछ रहा होता है कि तू वसीयत के पैसों क्या करने वाली हो। इंजिन यहाँ पर यह कहती है कि मैं अपनी बेटी को वापिस लाना चाहती हूँ ताकि हम साथ में रह सके। बाद में इसके पेट में चूहे कूद रहे थे। इंजिन यहाँ पर यह कहती है कि जब भी मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है और मुझे भूख लगने लगती है। जूसंग भी बाद में इसे कह रहा होता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। अगले इसमें जेक्यू को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है, ये भी लेमन कैंडी बारे में बात कर रहे थे और बाद में एविडेंस खोजने के लिए जा रहे होते हैं। यूंजिन और जेक्यू से बात कर रही थी और कह रही होती है कि यह तुमने अभी तक अपनी बंदूक नहीं सौंपी है, मेरे पास पहले से कॉल आ रही है, तुम्हें काम जल्दी करना चाहिए। जेक्यू कहता है कि ठीक है। अगले इसमें जिनू को देखते हैं जो कि पहले अपने सीन को याद कर रहा होता है कि जब यह सीईओ यून से बात कर रहा था तो उसने साथ में कहा था कि चलो इस काम को आधी रात में करते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं लेमन कैंडी कारोबार को बंद कर दूंगी और सारा फोकस तुम पर रहेगा। बाद में प्रचंड में जिनू को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास कॉल कर रहा होता है और बाद में इससे बात करता है। अगले इसमें जेकू चांगसू से बात कर रहा था और कह रहा था कि यह तुम्हें सीईओ यून के बारे में बताया, लेकिन ये मना कर देता है। जेकू कह रहा होता है कि इसके बारे में बता करो, ये लेमन कैंडी की डिस्ट्रीब्यूटर है। चांगसू कहता है कि आपको कैसे पता चला। जेकू यहाँ पर कह रहा होता है कि चांगसू ने मुझे बताया था। चांगसू बाद में रिपोर्ट दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि आपने मंगियो के बारे में पता करने के लिए कहा था, मैंने उसके बारे में पता किया है, वह 7 महीने पहले से लापता है। जेकू यहाँ पर कह रहा होता है कि इस बात की इन्फॉर्मेशन किसने दी थी कि वो लापता हो गया है। चांगसू कहता है उसका सहयोगी था और वह गयु महयुंग फार्मास्यूटिकल में काम करता था, वहाँ पर एक रिसर्चर था। वही अगले इसमें इंजिन भी जूसंग से बात कर रही होती है और यहाँ पर मिंगयू की बात करती है और बताती है कि मैं उसके बारे में जानती हूँ, मैंने उसका नाम वसीयत पर देख लिया था, वह गयु महयुंग फार्मास्यूटिकल में काम करता था, वहाँ पर एक रिसर्चर था और यह कंपनी जोंगसू द्वारा चलाई जाती है जो कि गयु महयुंग ग्रुप का वाइस चेयरमैन है। जूसंग यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि तुम्हें बात जेकू को बतानी चाहिए, मुझे नहीं लगता उसे इसके बारे में पता होगा। यूंजिन कहती है कि ठीक है मैं बता दूंगी, वैसे मुझे पता है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। अगले इसमें जेक्यू को देखते हैं जो मिंगयू के घर पर आया हुआ था और ये अपनी सिक्योरिटी यूनि से मिल रहा होता है। जेक्यू अपने से कह रहा होता है कि तुम्हारे पिता क्या काम किया करते थे। यूनि कहती है कि वह एक रिसर्चर थे, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। जेक्यू अपने से कह रहा होता है कि यह तुमसे मिलने के लिए कोई यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर मना कर देती है। जेक्यू अपनी डायरी को ले लेता है जो कि फार्मास्यूटिकल की होती है और बाद में बाहर आता है, लेकिन तभी से कुछ हो गया था। पास में अब रिंजिन भी आ गई थी और अपने जूनियर वोशियों से बात करी होती है और कुछ करने के लिए कहती है, लेकिन तभी पास में जेक्यू को देखती है जो कि बाहर आ रहा होता है, लेकिन तभी नीचे गिर गया था। रिंजिन भागती हुई उसके पास आती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। रिंजिन अपने से गाड़ी के अंदर ले आती है और अस्पताल चलने के लिए कहती है, लेकिन जेक्यू ने कह दिया था कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, तो मुझे मेरे घर पर ले चलो। रिंजिन बाद में ऐसे ही करती है, इसे घर पर ले आती है, बाद में इसे रूम का पासपोर्ट पूछती है और फिर यहाँ पर इसको अंदर ले जा रही होती है। साथ में यहाँ पर एक बॉक्स भी होता है जो कि पहले से बाहर होता है, इसको बाद में अंदर ले आती है। यूंजिन बाद में जेक्यू को पानी पिला रही होती है
और बाद में बॉक्स को देखती है और इसे अब ओपन करती है। इसके अंदर एक गोली होती है जो ड्रग वाली होती है। यूजिन को पता होता है कि ये क्या है क्योंकि इसने मेला के पास ये गोली देख ली थी। साथ में पर्ची भी होती है जिसमें डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि मुझे पता है तुम सभी गोलियां ले रही हो, तुम ये गोली भी ले लेना। अभी आप जे क्यों यूजिन की ओर देख रहा था और कह रहा था कि ये गोली है मुझे चाहिए, लेकिन यूजिन कहती मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाद में यूजिन भाग रही होती है लेकिन जेक्यू इसे पकड़ लेता है। यूजिन किसी तरह टॉयलेट में आ गई थी और अपने आप को नौकर लेती है। जेक्यू बाहर से दरवाजा तोड़ रहा होता है। यूजिन कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम ये क्या बन गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। अगले से एक आदमी को देखते हैं जो कि एज पर डिलीवरी करता है और ये जगह जिनू की होती है। जिनू बाद में बॉक्स को लेता है और अंदर आता है और इसके अंदर बहुत सारी लेमन कैंडी होती है। अगले से यूजिन को देखते हैं जो टॉयलेट में होती है और गोली को टॉयलेट में गिर देती है और बाद में बाहर आती है और यहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी पास में जेक्यू बैठा हुआ था और बता रहा होता है कि 10वीं बार था जुनशी मेरे पास 10वीं बार आ था। यूजिन कहती है उसने क्या कहा था। जेक्यू यहाँ पर कह रहा होता है कि उसने 10वीं बार सेम बात कही थी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे कह दिया था कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम ऐसे जा सकते हो। मैंने हर बार ये बात कही थी, अगर मैंने उसे माफ कर दिया होता तो आज शायद वो जिंदा होता। यूजिन बाद में उसे कहती है कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया, तुम नशे की आदी कैसे हो गए। जेकू कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, एक दिन हम टीम डिनर कर रहे थे और किसी ने मेरा किडनैप कर लिया और 3 दिन के बाद मैं खुद को देखता हूँ, मन नशे का आदि हो गया था, मुझे नहीं पता कि इसने किया है। यूजिन बाद में से कहती है कि तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैंने इसकी वजह से एक महिला को मरते हुए देखा है, लेकिन अब जेकू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मैं अस्पताल जा सकता हूँ और नहीं मैं पुलिस को बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे केस से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम ये बात पहले से जानती हो कि कैसे पुलिस और साथ में प्रोसिक्यूटर मिले हुए हैं और उन्होंने जोशी की ऑटोप्सी नहीं होने दी थी, इसलिए मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ तुम चुप रहना, क्योंकि अगर मुझे केस से बाहर निकाल दिया जाएगा तो तुम्हें वसीयत का पैसा नहीं मिलेगा। बाद में यूजिन के पास आता है, इसको पकड़ता है और कह रहा था कि वो गोली कहाँ पर है। यूजिन यहाँ पर कहती है मैंने टॉयलेट में डाल दी है। जेकू शांत हो गया था और बाद में कह रहा था कि तुमने अच्छा काम किया, फिर यह जा रहा होता है। यूजिन कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जेकू यहाँ पर कह रहा होता है कि किसी ने मुझे नशे का आदि बना दिया है तो किसी ने जुनशियों को मार दिया है, मैं उसका पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर यूजिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम मिंगू के घर पर जा रहे हो, मैं तुम्हें सॉरी दे सकती हूँ। जेकू बाद में इसको देख रहा होता है। यूजिन यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगी कि मैं उसको कैसे जानती हूँ। अकेले सीन में दोनों मिंगू घर पर आ गए थे और यहाँ पर छानबीन कर रहे होते हैं। पहले फोटो को देखते हैं, बाद में और एक रूम में आते हैं और यहाँ पर एक डेड बॉडी होती है, पास में फोटो भी रखी हुई थी। बाद में दूसरी फोटो से मिलान करते हैं और ये मिंगू की होता है, बॉडी को कागज से कवर किया गया था। जेकू बाद कागज को उठा रहा होता है। यूजिन भी अपनी से कहती है कि ये बॉडी सड़ गई हो रही है। जेकू यहाँ पर कह रहा होता है कि इसको लापता हुए 7 महीने हो गए हैं, शायद ही 7 महीनों से यहीं पर है। जेकू बाद में चांगसू के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि तुम्हें अभी जगह पर आना होगा, यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। चांगसू कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी बादशाह को याक की गोली फेंक रहा था और ये दोनों किसी तरह बाहर आ गए थे, लेकिन ये बॉडी यहाँ पर जल रही होती है। अभी यहाँ पर जेकू बाहर होता है और इसे फिर से नशा हो गया था। यूजिन यहाँ पर कहती है तुम ऐसा मत करो, क्योंकि पुलिस गाड़ी को हॉर्न सुनाई दे रहा था, पास में आ गए थे। जेकू कह रहा था अपनी गाड़ी में चलो, यूजिन बाद में ऐसे करती है और इसको ऐसे ले जाती है, लेकिन तभी चांगसू गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गया था और बाद में मिंगू के घर के पास आता है। चांगसू बाद में जेकू के पास कॉल करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो यूजिन गाड़ी में होती है। जेकू उसे कहती है हम क्या करें। जेकू यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। यूजिन बाद में ऐसे करती है और इसको यहाँ पर छोड़ देती है। जेकू बाद में अंदर आता है और ये बस यूजिन होती है और इसे कहती है आपको क्या हुआ है। जेकू कह रहा था मुझे बुखार है, तुम गोली ले आओ। बाद में सुजिन ऐसे करती है। तभी जेकू पास में बैठ गया था वो यहाँ पर एक सीन का याद करता है कि आप जब उन दो आदमी से पूछताछ कर रहे थे और उनके पास जो गोली थी, सुई ने उस गोली को दराज में रख दिया था। अभी यहाँ पर जेकू दराज के पास आ गया था और इसे खोलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये बेहोश हो गया था। एपिसोड के लास्ट में उपसनार को देखते हैं जहाँ जेकू को लास्ट में होता है, साथ में यूजिन होती है। यूजिन बॉर्डर पर कुछ काम करी होती है, टीचर ने इसको पनिश कर दिया था और अभी इसे 1 महीने के लिए सफाई करनी है। बाद में जेकू चला गया था। यूजिन भी बाद में बाहर आती है और यहाँ पर एक म्यूजिक को सुनती है। बाद में म्यूजिक वाले रूम में आती है और यह जुनशियो को देखती है। बाद में से कहती है कि यह तुम भी आगे प्रेसिडेंट हो, ये आप ही हम बढ़ता है। जुनशियो कहता है कि तुमने सफाई कर ली है। यूजिन हाँ बढ़ती हुई बाद में ये कहती है कि मैं भी सोडियो फाइल क्लब को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जुनशियो कहता है ठीक है। जुनशियो पर इसको रूल बता रहा होता है कि हम यहाँ पर बारी बारी सफाई करते हैं और तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा। यूजिन भी कहती है ठीक है और बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करी होती है। तभी अब जेक्यू आता है। जुनशियो इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेक्यू कह रहा होता है कि मैं भी इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ
मैं भी म्यूजिक सुनना चाहता हूँ। बाद एप्लीकेशन को लेता है और इंजन से कह रहा होता है कि क्या मुझे तुम्हारा पेन उधार मिल सकता है। फिर यहाँ पर यह भी एप्लीकेशन को फिल करता है और बाद में दोनों से कह रहा होता है कि अब हम सब एक ही कलम में है। बाद में जूनसू साथ मिला रहा होता है लेकिन तभी अब जूसू आता है और इंजन को हेलो कह रहा होता है। अभी एबिन के कलम में आ गया था और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।